सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेक्नो गाय चैनल को और एक घंटे को दबाइए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके, वो भी एकदम फ्री। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके हमारे चैनल इंडियन टेक्नो गाय में। तो आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक पांच ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में जो एंड्रॉइड पे हैं जो आपके फ़ोन की बैटरी को चूस चूस के खाती हैं जी। तो अगर आपको इन पाँचों ऐप्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखते रहें, और जी आज आपको आखिर तक अगर देखेंगे तो आपको एकदम एक नई टाइप की चीज़ मिलेगी। तो देखिए जी, आखिर में देखना तो बनता ही है, तो चलिए आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जी पहले मैं अगर बता दूं कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं मेरी तरह और आपके फ़ोन की बैटरी भी एकदम बहुत जल्दी जाती है, एकदम बहुत जल्दी डाउन पड़ जाती है, यानी कि एक दिन के अंदर क्या आधा दिन के अंदर ही डाउन पड़ जाती है मेरी तरह, ये भी जी हमें मेरी तरह, तो जी इसके पीछे कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। या तो आपके फ़ोन में बहुत छोटी बैटरी है, मतलब कम कैपेसिटी की बैटरी है, बड़ा फ़ोन है कम कैपेसिटी है, ये भी एक रीज़न है। या आप जब बहुत ज़्यादा फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल हैं, अगर हाँ आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स होंगे तो भी बैटरी की जो ड्रेनिंग है वो बहुत जल्दी होगी। और जी और अगर ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोन बहुत पुराना हो, तो जी अगर आप इन रीज़न्स चेक करेंगे और आपका कोई इनमें से कोई रीज़न निकल के नहीं आ रहा, तो जी एक ही रीज़न है कि आपके कुछ ये ऐप्स हैं जो आपके फ़ोन को बैटरी को एकदम बुफे की तरह खाए जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पाँच ऐसी ऐप्स हमारे जो बैटरी को चूस चूस के खाती हैं। तो सबसे पहला ऐप है जी श्री श्री स्नैपचैट। जी हाँ, स्नैपचैट दी फेमस ऐप। ये ऐप जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस ऐप से आपको बहुत मज़े आते हैं जी, मज़े, क्योंकि ये ऐप जो आपका फ़ोटो एडिटिंग और जो फोटो से रिलेटेड है, और ये बैटरी को बहुत चूस चूस के खाते हैं, एकदम खाता रहता है खबक खबक खबक। और जो दूसरे नंबर का ऐप है जी फेसबुक। फेसबुक के एक दूसरा कल्फिट है क्योंकि जो ये आपका जो ऐप है, ये आप, मैं मानता हूँ फेसबुक के बिना नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कुछ लोगों के लिए फेसबुक के बिना रहना। पर जो फेसबुक है ना जी, ये आपका बैटरी को इतने ज़्यादा खाता है तभी आपको एकदम क्विक अपडेट्स मिल पाते हैं आपके फ्रेंड्स के पास से। यानी कि जैसे मान लीजिए कुछ आपके फ्रेंड का मैसेज आया है, कुछ पोस्ट, ये इसी वजह से होता है। अब तीसरा ऐप है जी फेसबुक मैसेंजर। ये फेसबुक की तरह खाऊ नहीं है, सॉरी अगर बुरा लगा तो, मतलब फेसबुक की तरह ये बैटरी एकदम नहीं खाता, पर ये भी जी कल्फिट है। अगर आप इस ऐप को यूज़ नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आप चैट नहीं कर पाएंगे, वॉइस कॉलिंग, वीडियो चैटिंग नहीं कर पाएंगे, पर ये भी बहुत ज़्यादा बैटरी चूसता है। अब चौथा ऐप है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स एक ऐसा ऐप है, बहुत लोग इसके बिना नहीं रह सकते क्योंकि नेटफ्लिक्स है ये बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है, तभी आपको जो इतने अच्छे अच्छे टीवी शोज़ और ये सब हैं ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है ना स्क्रीन का फुल रेजोल्यूशन, हाईएस्ट रेजोल्यूशन यूज़ करता है। और आप जानते ही हैं कि जितना हाईएस्ट रेजोल्यूशन यूज़ करेगा स्क्रीन पर उतना लोड पड़ेगा, जितना स्क्रीन पर लोड पड़ेगा उतनी जल्दी बैटरी खाएगी क्योंकि स्क्रीन बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है खुद में। अब जी पाँचवा ऐप है आउटलुक। ये एक ऐसा ऐप है कि आपका जो है जितने ईमेल्स आते हैं आप उन्हें एकदम देख सकते हैं और साथ ही साथ उनका एकदम रिप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके ईमेल से जुड़ा हुआ होता है। पर ये भी बैटरी बहुत खाता है क्योंकि इस ऐप में जो आपका सिंक, डेली सिंक बहुत ज़रूरी होता है, आपका मतलब सिंक करता रहता है नए नए वो अपडेट्स के लिए, इसलिए इसका जो है बैटरी बहुत जल्दी खाता है। तो जी ये कुछ पाँच ऐसी ऐप थे जो बैटरी को चूस चूस के खाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर दें हमारे चैनल को, और घंटे बाबा को दूर दबा दीजिएगा क्योंकि एक बहुत बढ़िया वीडियो अब आने वाली है अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो। और जो लाइक तो बनता ही है जी, और कमेंट जरूर करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।